दोस्तों आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये जो पुराना साउंड सिस्टम है इसको ब्लूटूथ साउंड सिस्टम में कैसे बदलना है ये बताने वाला हूँ। तो इसके लिए कुछ चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगा, एक MP3 बोर्ड और इसको पावर देने के लिए एक 7805 का वोल्टेज रेगुलेटर IC। और इस बोर्ड को मैं ये सामने वाले पोर्शन को फिक्स कर लेता हूँ। इसको अच्छे से मैं यहाँ पर फिक्स कर लिया हूँ। तो इसका जो 7805 का IC है तो उसको भी यहाँ पे मैं फिक्स कर लिया हूँ। तो अब इसका जो कनेक्शन है वो कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो तीन वायर है इसका, ये जो ब्लूटूथ मॉड्यूल है इसका ग्राउंड है और ये लेफ्ट और राइट इनपुट है। तो इसको इनपुट देने के लिए ये जो 7805 का IC है इसके साथ कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये जो तीन पिन है इसमें से ये जो पिन है ये इसका ग्राउंड का पिन है, ये पिन इसका ग्राउंड का पिन है और ये इसका इनपुट और ये इसका आउटपुट का पिन है। तो चलिए इसको कनेक्शन कर लेते हैं। और इनपुट यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं, जो इनपुट के वायर है इसको इसके साथ कनेक्ट कर लेते हैं। अब इसका जो इनपुट है मतलब कि ये जो तो IC का जो इनपुट है उसका कनेक्शन भी कर लेते हैं। आप इन दोनों वायर को जहाँ पे ये बोर्ड का है, जो एम्पलीफायर बोर्ड का DC सप्लाई मिलेगा उस पे कनेक्ट कर देना है। तो आप यहाँ पे इसका जो DC का सप्लाई है तो उसके साथ इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। और दूसरा वायर को इसके साथ कनेक्ट कर लेते हैं। तो अब एक बार वोल्टेज चेक करके भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए इसमें लाइन आ गया है। तो अब इसका जो ऑडियो का इनपुट है उसका कनेक्शन भी कर लेते हैं। तो ये तीनों इसका ऑडियो का इनपुट का वायर है, ये ग्राउंड का वायर है, तो ये ग्राउंड में कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये कैपेसिटर का ग्राउंड है, तो इसके साथ ये ग्राउंड वाले वायर को कनेक्ट कर लेते हैं। और आप ये जो दो वायर है इसको, तो यहाँ पे ये जो दो वॉल्यूम आपको दिख रहा है यहाँ पे भी आप इसको इनपुट दे सकते हैं। और ये जो सिलेक्टर का स्विच है तो इन पे भी आप जो इनपुट दे सकते हैं, पर फिलहाल मैं यहाँ पे इनपुट नहीं दूंगा तो यहाँ पे इनपुट दे देते हैं। तो इसका भी कनेक्शन आप देख लीजिए। तो एक वायर को मैं यहाँ पे कनेक्ट करने वाला हूँ।
एक को इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कनेक्ट हो चुका है। तो आपको शायद यहाँ पे कनेक्शन दिख रहा है, फिर भी आपको बता देता हूँ, ये जो पोटेंशियोमीटर है इसका जो ये वाला पिन है, इसके साथ मैंने इसका जो इनपुट है इसका कनेक्शन किया है। तो आप इसको पार्ट देके भी देख लेते हैं, ये ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। और हाँ, इसका जो एक स्पीकर है वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। वो पूरा खराब है, तो इसको भी हम चेंज कर लेंगे। और ये वायर भी टूटा हुआ है, इसका जो एक वायर है, ये जो बैटरी का वायर था, तो ये भी टूटा हुआ है, तो इसको भी फिक्स कर लेते हैं। तो इसका जो स्पीकर है खराब था, तो यहाँ पे इसको भी चेंज कर लिया हूँ। तो ये वो स्पीकर है, ये खराब था, तो इसको यहाँ पे भी मैं चेंज कर लिया हूँ। और ये जो तार टूटा हुआ था, तो इसको भी मैंने फिक्स कर लिया है। तो आप इसको टेस्ट करके देख लेते हैं ये ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो इसको एक बार चेक करके भी देख लेते हैं ये अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। The Bluetooth device is ready to pair. Music, FM music. तो यहाँ पर देख सकते हो तो ये अच्छे से काम कर रहा है। देख सकते हैं दोस्तों ये अच्छे से काम कर रहा है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।